हेलो फ्रेंड्स, मुँ सौम्य आपण मानक स्वागत करुच्छी आम चैनल रेंडरिंग नॉलेज को। फ्रेंड्स, आज आम नहीं आपण मानी इंडियन हिस्ट्री रो किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन गुराक वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये परीक्षा बारंबार आसी आगे मध्य एग्जाम आसपे। तो फ्रेंड्स, आपण मैंने जी टे कन्सीयस होती आगे एग्जाम का, तो फ्रेंड्स ये भिडियोटी डेफिनेटली देखिए, संपूर्ण देखिए। आ भिडियोटी केमी लगे आमको तले आमको आप कमेंट कर जरूर जड़े। तो फ्रेंड्स, डेरी नक स्टार्ट करें भिडियोटी। हाँ फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स भिडियोटी संपूर्ण देखो, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट भिडियोटी स्टार्ट करें भिडियोटी। मैं प्रथम क्वेश्चन कौन द फास्ट नेतांकर ऑफ द जैन वाज। फ्रेंड्स, आप जानते जैन मान आम अच्छे हिंदू, तब बुद्धिस्ट अच्छे धर्मी, तो जैन धर्मी भी अच्छा। जैन मान गुरु को तीर्थांकर कही तो से पचार क्वेश्चन पचार द फास्ट तीर्थांकर ऑफ जैन, जैन मान प्रथम धर्मगुरु किए थे। तो फ्रेंड्स, जैन मान वर्तमान सुधा 24 धर्मगुरु आसमर लास्ट धर्मगुरु किए थे आप भलसे जानते आम जैन मान लास्ट धर्मगुरु थे आमर महावीर थे, ये 24 थे। तो आम ये पचार फास्ट तीर्थ किए थे। तो फ्रेंड्स, यार फास्ट तीर्थ कौन हो यार करेक्ट उत्तर ऑप्शन 4 ऋषभ। ऋषभ थे जैन मानक आमर फास्ट तीर्थंकर थे, ये थे प्रथम धर्मगुरु थी ऋषभ। फ्रेंड्स, ये जो तीर्थंकर सिंबल भी किसी थाए। तो फ्रेंड्स, ऋषभ सिंबल कौन थी ऋषभ जैन जो ऋषभ तीर्थंकर थे सिंबल थी बुल, सिंबल थी बुल। आमर लास्ट 24 थे महावीर थे सिंबल थी आम लायन। ओके फ्रेंड्स, ये गोटे इंपोर्टेंट जिनस मन रखिए। आप महावीर विषय में किसी जानी नि महावीर उपर बारंबार परीक्षा एग्जाम क्वेश्चन आसते, बुद्ध जमी क्वेश्चन आसते, महावीर उपर लॉर्ड तीर्थंकर महावीर उपर मत क्वेश्चन आसते। तो फ्रेंड्स, महावीर विषय में जानी निमती कि महावीर के जन्म होते, महावीर जन्म होते आमर 540 BC से जन्मग्रहण करते। फ्रेंड्स, कौट जन्म करते से कुंडग्राम जन्म करते। से कुंडग्राम जन्मग्रहण करते। एटा फ्रेंड्स, एटा कौटी अच्छे एटा बिहार रे अच्छे, एटा बिहार रे अच्छे। ओके फ्रेंड्स, आपण मन रखिए एटा बिहार रे अच्छे से कुंडग्राम। फादर का नाम कौन थी तो भगवान महावीर को फादर का नाम थी आमर, फादर नाम थी सिद्धार्थ, फादर थे सिद्धार्थ आ मदर थे त्रिशाला। फ्रेंड्स, परीक्षा बारंबार क्वेश्चन आसे ये भगवान महावीर जैन महावीर मदर का नाम कौन थी, मदर का नाम थी त्रिशाला। फ्रेंड्स, बारंबार कन्फ्यूजन हूँ तो फादर थी सिद्धार्थ आ मदर थे त्रिशाला। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स से केवे से जन्म होले तो 540 BC से बार्थ बार्थ करते। तो फ्रेंड्स, से मरी थे केवे, से मरी थे 468 BC, 468 BC मरी थे। तो फ्रेंड्स, से कौन मरी थे से प्रभापुरी, बिहार रो गोटे जगह अच्छे प्रभापुरी बोली। तो फ्रेंड्स, सेठी डाड होते मृत्युबरण करते, जन्म होते 540 मरी 468 BC प्रभापुर। फ्रेंड्स, मन रखिए फादर का नाम सिद्धार्थ थी, माँ थी त्रिशाला, आउ सी थे 24th नंबर जो भगवान महावीर थे 24th नंबर तीर्थंकर थे, सिंबल थी लायन। ओके फ्रेंड्स, सिंबल थी लायन। आउ ये क्वेश्चन उत्तर कौन जो फास्ट तक किए थे जैन मानक ऋषभ थे, जहाँ सिंबल थी बुल, ये फास्ट तक थे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये गोटे वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप डेफिनेटली मन रखिए। चलो जीवन नेक्स्ट क्वेश्चन की। फ्रेंड्स, आम नेक्स्ट क्वेश्चन देख पारे व्हेयर डिड लॉर्ड बुद्ध ब्रीथ हिज लास्ट। तो फ्रेंड्स, से कौन लॉर्ड बुद्ध शेष निश्वास कौटी त्याग करते, शेष निश्वास कौटी त्याग करते। तो फ्रेंड्स, यार करेक्ट उत्तर कौन राजगिरी ना बोधगया ना सरनाथ ना कुशीनगर। तो फ्रेंड्स, यार करेक्ट उत्तर जो आम ऑप्शन 4 कुशीनगर। कुशीनगरटा फ्रेंड्स आम कौटी अच्छी यूपी अच्छे, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अच्छे। तो फ्रेंड्स, भगवान लॉर्ड बुद्ध जो आमर अच्छा से कुशीनगर यूपी कुशीनगर से शेष निश्वास त्याग करते। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जमी आप महावीर विषय में जानते भगवान बुद्धि बारंबार क्वेश्चन आसते, तो भगवान बुद्धि किसी जिन जानी नि जमी से कौट जन्म होते। से फ्रेंड्स, जन्म होते 563 BC से जन्म होते, कौट जन्म होते लुम्बिनी बाण से नेपाळर लुम्बिनी बाण से 563 BC जन्म होते, गोटे साक्य क्लान में जन्म होते। साक्य क्लान में, साक्य क्लान भी परीक्षा बारंबार बजे से कौ कौ क्लान में जन्म होते, साक्य क्लान में जन्म होते। तो फ्रेंड्स, बापा नाम जानी नि फादर थे शुभधन, फादर थे शुभधन आ मदर थे महामाया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जमी आप जयन कर जानते जयन कर मदर थे त्रिशाला, सेमती मदर थे महामाया, फादर थे शुभधन। ओके फ्रेंड्स, यहाँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, लॉर्ड बुद्ध को रिलेटेड आ किसी क्वेश्चन पचार दिए, जमीक जो मैंने जन्म होते से सिंबल कौन थी, से जो निर्वाण पाइले एनलाइटमेंट हेले सिंबल कौन थी, से जो धर्मजग प्रवर्तन कर सिंबल कौन थी। तो फ्रेंड्स, ये सब जानी नि भगवान जो बुद्ध जन्म हो जन्म को सिंबल कौन, जन्म सिंबल को कहते लोटस एंड बुल,
जन्म पाएगा सिंबल। ओके फ्रेंड्स सेटा मन रखिबे वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा बारंबार पचार दिए। भगवान बुद्ध को जन्म हवा सिंबल को कौन कहते, जन्म सिंबल को कहते लोटस और बुल, ए दुटा जन्म सिंबल। सेमती से जो महाविनिश कर्मण पाई मैंने घर जो घर छाड़ी जाइए महाविनिश कर्मण, तो फ्रेंड्स ता सिंबल कौन थी, ता सिंबल थी हर्स। ओके फ्रेंड्स ता सिंबल थी हर्स। आउ फ्रेंड्स से निर्वाण जो पाई आपड़ जानते से निर्वाण पाई से निर्वाण जो पाई सिंबल कौन थी, सिंबल थी गोटे बोधि ट्री, ता सिंबल थी गोटे बोधि ट्री थी गोटे तार सिंबल। आउ फ्रेंड्स से लास्ट को जो आम धर्मचक्र प्रवर्तन करते सहीटा तार गोटे सिंबल थी हुईल, जो चक हुईल चक थी आम सिंबल थी धर्मचक प्रवर्तन। आउ जो महापरिवहन लास्ट को से मृत्युवरण करते कृषिनगर ता सिंबल कौन थी, ता सिंबल थी स्तूप। ओके फ्रेंड्स ये सिंबल परीक्षा बारंबार पचारे आप मन रखिए, जन्म सिंबल है लोटस एंड बुल, आउ महा महा महाविनिश कर्मण जोड़ा घर छाड़ी आसते ता सिंबल थी हर्स, आउ निर्वाण जो सोटी से एनलाइटमेंट पाइले सब नॉलेज गेन कले ता सिंबल थी बोधि ट्री, आउ आमर धर्मचक्र प्रवर्तन ता सिंबल थी हुईल, आउ तापर महा महानिर्वाण जो मृत्युवरण करते सिंबल थी स्तूप। फ्रेंड्स एटा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिए, आम भगवान बुद्ध जन्म होते 563 बीसी रे, आ मरी 483 बीसी रे। ओके फ्रेंड्स मरी कहते 483 बीसी रे कुशीनगर ठारे 483 बीसी रे, जन्म होगा 563 आ मरी 483। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रखिए। चलो जो आम तृतीय नंबर क्वेश्चन की, फ्रेंड्स आम तृतीय नंबर क्वेश्चन कहूँ बाणभट्ट वाज द कोट पोएट ऑफ व्हिच एम्परर। तो फ्रेंड्स आप बाणभट्ट को नाम शुनि थे सी कहार कोर्ट पोएट थे, मैंने जो आम राजा कोर्ट थाए सब राजा जो राजदरबार थाए, तो राजदरबार में किसी किए पोएट हिसाब से मुख्य मैंने पोएट हिसाब से बाणभट्ट कह राजदरबार में पोएट हिसाब से। तो फ्रेंड्स कौ एम्परर, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन ना कनिष्क। तो फ्रेंड्स यार करेक्ट उत्तर हो ऑप्शन 3 हर्षवर्धन। बाणभट्ट आम हर्षवर्धन राजा हर्षवर्धन कोर्टे कोर्ट पोएट हिसाब से सीता एम्परर थे। तो फ्रेंड्स बाणभट्ट विषय आगे किसी जानवा जानते फ्रेंड्स बाणभट्ट आम कौन लिखते हर्ष चरित्र गोटे बही लिखते आपको मन रखा हिसाब सुविधा हम बाणभट्ट कह कोर्ट पेट थे हर्षवर्धन। तो फ्रेंड्स आप गोटे मन रखी दिखाते गोटे जिनस बाणभट्ट गोटे बही लिखते सीटा है हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र गोटे बही लिखते आउ गोटे बही बाणभट्ट लिखते आम कादंबिनी। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट परीक्षा बारंबार पचार दिए बाणभट्ट को बही लिखते, तो कादंबिनी आउ हर्ष चरित्र ये दुटा बही बाणभट्ट लिखते। हर्ष चरित्र आप जानपारे से हर्षवर्धन से कोट पोएट थे यहाँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हर्ष आप एमती मन रखिपारे बाणभट्ट हर्षवर्धन थे, तो बह लिखे हर्षवर्धन हर्षचरिता, किंवा आप एमती मन रखते बाणभट्ट हर्षचरिता बह लिखते, तो सी हर्ष हर्षवर्धन कोट पोएट थे आप जमी पाए मन रखिपारे कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट आप मन रखिए बाणभट्ट थी हर्षवर्धन कोट पोएट से हर्षचरित्र आउ कादंबिनी बह लिखते। तो फ्रेंड्स जानी नि जो हर्षवर्धन सी भी गोटे भल लेखक थे से जे कोट थे। तो फ्रेंड्स सी कह लिखते सी लिखते नागानंद, आप शुणी परीक्षा बारंबार क्वेश्चन सीजीएल बारंबार आसे सीजीएल सीएचएसएल आसे नागानंद, रत्नावली आप शुणी रत्नावली आउ प्रियदर्शिका। तो फ्रेंड्स ये तीन टा बही नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये तीन टा इंपोर्टेंट बही जोटा आम हर्षवर्धन लिखते। हर्षवर्धन मैंने वर्धन डायनेस्टी। ओके फ्रेंड्स हर्षवर्धन थी वर्धन डायनेस्टी, हर्षवर्धन का अन्य नाम कौन थे फ्रेंड्स एक मन रखुद हर्षवर्धन का अन्य नाम थी शिलादित्य, कौन थी शिलादित्य, हर्षवर्धन का अन्य नाम थी शिलादित्य। ओके फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रखिए हर्षवर्धन का अन्य नाम कौन थी शिलादित्य। तो फ्रेंड्स यार करेक्ट उत्तर कौन है ऑप्शन 3 हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का बाणभट्ट थी कोट पेट अफ हर्षवर्धन। चलो जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की, द फास्ट इंडियन रूलर हु एस्टाब्लीश्ड द सुपरमेसी ऑफ इंडियन नेवी इन द अरेबियन सी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कहूँ आम प्रथम इंडियन रूलर किए, प्रथम भारतीय शासक किए थे जे कि आम इंडियन नेवी आप जानते नौसेना जो कहते इंडियन नेवी से अरेबियन सी रे सेटल करते मैंने फास्ट स्टार्ट करते जानी नि। तो फ्रेंड्स कह रोटे भल अरेबियन सी रे गोटे भल नेवी थी नौसेना थी, तो फ्रेंड्स ऑप्शन कौन जी ऑप्शन राजा राजा वन, राजेन्द्र वन, राजा अधिराज वन ना कोलटुंगा वन। तो फ्रेंड्स यार करेक्ट उत्तर कौन हो राजा राजा वन, ऑप्शन ए राजा राजा वन, जी राजा राजा वन थे सी जे इंडियन नाभी गोटे प्रथम अरेबियन सी गोटे भल नाभी बा इंडियन जो नौसेना बाहन से गोटे भल स्टार्ट करते। तो फ्रेंड्स जानी नि राजा राजा ये कौ एम्पायर थे ये फ्रेंड्स थे चोल एम्पायर राजा थे। ओके फ्रेंड्स चोल आप तो सुनते चोल चोल चालुक्य, तो फ्रेंड्स यहाँ चोल एम्पायर राजा थे राजा राजा वन, ये गोटे चोल एम्पायर गोटे भल एमिनेंट राजा थे भल राजा थे। तो फ्रेंड्स राजा राजा वन विषय में आउ गोटे जिन जानते तो ये गोटे मंदिर तोली साउथ आड़े। तो फ्रेंड्स से मंदिर ना कौन से मंदिर नाँ हूँ बृहदेश्वर मंदिर, भेरी भेरी इंपोर्टेंट फ्रेंड्स मन रखिए बृहदेश्वर मंदिर,
ବୃହଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆମର ରାଜାରାଜା ୱାନ୍ ତୋଳିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା। ରାଜାରାଜୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ବୃହଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି। ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ କହନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ନାମ କହନ୍ତି ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ବୃହଦେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ବା ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ଆମର ରାଜାରାଜା ୱାନ୍ ଚୋଳ ରାଜା ରାଜାରାଜା ୱାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ରାଜାରାଜା ବୃହଦେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲଟା କେଉଁଠି ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତାଞ୍ଜୁରରେ ଅଛି, ତାମିଲନାଡ଼ୁର ତାଞ୍ଜୁରରେ ଅଛି। କୋଡ଼ିଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁର ତାଞ୍ଜୋରରେ ଏଇଟା ଅଛି, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ବୃହଦେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ମନେ ରଖିବେ, ରାଜାରାଜା ୱାନ୍ ତୋଳିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କି, ହୁ ୱେର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ଟୁ ଇସ୍ୟୁ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି, ଆମ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ଯିଏକି ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସି କେମିତି ଆସୁଛି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ସେମିତି ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍, ସିଲଭର କଏନ୍ ଆଉ ବ୍ରୋଞ୍ଜ କଏନ୍ର ବେଶୀ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ମାର୍କେଟରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେତେବେଳେ କିଏ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜା ଥିଲେ ଯିଏକି ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜା ଥିଲେ, ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ର ରାଜା ଥିଲେ, ଗୁପ୍ତର ରାଜା ଥିଲେ, ନା କୁଶାଣ ରାଜା ଥିଲେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାର୍ କରେକ୍ଟ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ୍ ଟୁ, ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ର ରାଜା ଥିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଆମ ଦେଶରେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଆଣିଥିଲେ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଏ ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି ଆମ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଇନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏତିକି ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ ଆମ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଦେଶରେ ଇସ୍ୟୁ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍କୁ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଏତିକି ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ର ରାଜା ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆମର, ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ମିଲନ୍ଦ। ମିଲନ୍ଦ ଶୁଣିଥିବେ ଆପଣ, ମିଲନ୍ଦ ନା ମିଲନ୍ଦ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ର ଗୋଟେ ଭଲ ରାଜା ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଏମିନେଣ୍ଟ ରାଜା ଥିଲେ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କି ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅପସନ୍ ଟୁ, ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍। ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ୟାଙ୍କ ପଟେ କୁଶାଣ ଆସିଥିଲେ କନିଷ୍କ, ସିଏ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ଡେଭଲପ୍ କରିକି ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମର ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ର, ଏ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ ଇସ୍ୟୁ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି, ହୁ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଇନଭେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଥିବେ, ଆପଣ କିଏ ଭାବୁଥିବେ ମୋଗଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନଭେଡ୍ କରିଥିଲେ, କିଏ ଭାବୁଥିବେ ପର୍ସିଆନ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନଭେଡ୍ କରିଥିବେ, କିଏ ଭାବୁଥିବେ ଆରବିଆନ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନଭେଡ୍ କରିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୟାର କରେକ୍ଟ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ହୁ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନଭେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମ ଭାରତ ଦେଶକୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆମର ଇନଭେଡ୍ କରିଥିଲେ, ମାନେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆମର ଭାରତ ଦେଶକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ଜର୍ସେକ୍ସ, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, ଡେରିୟସ୍ ନା ସିକୁଲସ୍? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୟାର କରେକ୍ଟ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଦ ଗ୍ରେଟ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ମାନ ଗ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବେ, ଇଏ ହେଲେ ମେସିଡୋନିଆର ଜଣେ ଥିଲେ ରାଜା, ମେସିଡୋନିଆ ରାଜା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଗ୍ରେଟ୍, ଇଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମ ଦେଶକୁ ଇନଭେଡ୍ କରିଥିଲେ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ପାଖାପାଖି 326 ବିସିରେ, 326 ବିସିରେ ଇଏ ଭାରତ ଦେଶକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଶୁଣିଥିବେ, ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଭିସ୍ତା ବା ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଝେଲମ୍, ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଶୁଣିଥିବେ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଝେଲମ୍, ବା ଗ୍ରୀକ୍ରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ହିଦାସିସ୍ କହନ୍ତି, ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ହିଦାସିସ୍ କହନ୍ତି, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାକୁ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଝେଲପ୍ କହନ୍ତି, ଆଉ ଗ୍ରୀକ୍ରେ ତାକୁ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ହିଦାସିସ୍ କହନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ବ୍ୟାଟେଲ୍ଟା ଗୋଟେ ଏମିନି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେଲ୍ଟା ଏଇଟା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିରେ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ହିଦାସିସ୍ ପଚାରିଦିଏ ବା ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଝେଲମ୍ ପଚାରିଦିଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ବ୍ୟାଟେଲ୍ଟା ଆମର ହିନ୍ଦୁ କିଙ୍ଗ ପୋରୁ, ଆପଣ ପୋରୁ ହିନ୍ଦୁ କିଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ଶୁଣିଥିବେ, ହିନ୍ଦୁ କିଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ଆଣ୍ଡ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ହିନ୍ଦୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଟେଲ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଜିତିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲିକା। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ପୁରୁଷ କିଙ୍କି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ରାଜା ହିସାବରେ ମାନିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଏ ବ୍ୟାଟେଲ୍ଟା ମାନେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଟେଲ୍ଟା ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଝେଲମ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା କହନ୍ତି ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଝେଲମ୍ କହନ୍ତି, ଆଉ ଗ୍ରୀକ୍ରେ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ହିଦାସିସ୍ କହନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଆମର ହିନ୍ଦୁ କିଙ୍ଗ ରାଜା ପୁରୁଷ ଆଉ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ହିଦାସିସ୍ ବା ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଝେଲମ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହୁଇଚ୍ ଆର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଅବନ୍ତିକା ଇନ୍ ଆନ୍ସିଆଣ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଅବନ୍ତିକା ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅବନ୍ତିକା ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ଅବନ୍ତିକା ମାନେ ଆନ୍ସିଆଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ର ଅବନ୍ତିକା ଯେଉଁ ଜାଗା ନାଁଟା ଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅବଧ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା ରୁହେଲଖଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି, ନା ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି, ନା ମାଲୁଆ କହୁଛନ୍ତି? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅବନ୍ତିକା ଆମର ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପାଖାପାଖି ଏରିଆଟାକୁ ଅବନ୍ତିକା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅବନ୍ତିକା ଯେଉଁ ଜାଗାଟା, ଅବନ୍ତିକାଟା ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ଏନେ ଅବନ୍ତିକାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏଇ ଜାଗାଟା ଥିଲା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏଇ ମଝି ମଝିଆ ଜାଗାଟା ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେ ଯେଉଁ ଅବନ୍ତିକା ଜାଗାଟା ଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ନାଁ କ'ଣ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଁ ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇନେ ଅପସନ୍ ସି ମାଲୁଆ ଅଛି, ସେ ରିଜନ୍ଟାକୁ ଏଇନେ ଯେଉଁ ଅବନ୍ତିକା ରିଜନ୍ଟା ଆନ୍ସିଆଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରିଜନ୍ଟାକୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ମାଲୁଆ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମାଲୁଆ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ମାଲୁଆ ପ୍ଲେଟୁ ଶୁଣିଥିବେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତା କରେକ୍ଟ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମାଲୁଆ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାଲୁଆଟା କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଯେଉଁ ଅବନ୍ତିକା ଥିଲା ଆଗରୁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏରିଆରେ ଥିଲା। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ମାଲୁଆ ଯେଉଁ ରିଜନ୍ଟା ସେଇଟା ଏମିନ୍ ଅଛି, ମାଲୁଆଟା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। ତ ଅବନ୍ତିକାର ଆନ୍ସାଣ୍ଟ ନା ଯେଉଁ ଅବନ୍ତିକା ଆନ୍ସାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆନ୍ସାଣ୍ଟରେ ଥିଲା ଅବନ୍ତିକା, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଣ୍ଟଲି ତାକୁ ନାଁ ହେଇଛି କ'ଣ, ମାଲୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ 8 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କି, ହୁଏର୍ ଇଜ୍ ବୃହଦେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ
सिचुएटेड फ्रेंड्स मुझे आपर कही सांगे सांगे कही ब्रिदर्स टेम्पल कौटी अच्छी बिलिका तो फ्रेंड्स यार पार्ट कौन हो कांची मदुराई सिरसेलायन ना तांजोर फ्रेंड्स मुझे आपको कही ब्रिदर्स टेम्पल कौट अच्छी तो फ्रेंड्स यार पार्ट कौन हो ऑप्शन सी ऑप्शन चार तांजोर तांजोर में आम अच्छी ब्रिदर्स टेम्पल ओके फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे आपको ब्रिदर्स टेम्पल आम अच्छी तांजोर अच्छी जोटा कि तमिलनाडु अच्छी ओके फ्रेंड्स ए ब्रिदर्स टेम्पल कित तो फ्रेंड्स ये या राजा राजा वन मन रखिए फ्रेंड्स राजा राजा वन राजा राजा वन कर चोलो किंग राजा राजा वन ब्रिदर्स टेम्पल तोड़ी वेरी वेरी इंपोर्टेंट फ्रेंड्स परीक्षा बारंबार पचारे टेम्पल कौटी अच्छी तमिलनाडु तांजोर अच्छी ब्रिदर्स टेम्पल वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रखिए टेम्पल को अलग ना कौन टेम्पल एक राजा 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 राजेश्वर टेम्पल ब्रिदर्स टेम्पल टाक वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रखिए फ्रेंड्स चलो जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की हुई रूलर बुल्ड द एलोरा टेम्पल फ्रेंड्स को रूलर एलोरा टेम्पल बुल्ड कर तो फ्रेंड्स यार उत्तर कौन हो चालुक्य शुंग राष्ट्रकूट ना पल्लव तो फ्रेंड्स यार करेक्ट उत्तर कौन हो यार करेक्ट उत्तर हो फ्रेंड्स राष्ट्रकूट ऑप्शन थ्री राष्ट्रकूट हेल्ले जेकि आम एलोरा टेम्पल तोड़ी यहाँ फ्रेंड्स एलोरा टेम्पल आपने जानते हैं अजंता एलोरा केव्स आप शुभ भलसे तो ये जो एलोरा टेम्पलटा महाराष्ट्र अच्छी ओके फ्रेंड्स एटा किए तोड़ी यहाँ राष्ट्रकूट मैंने एलोरा टेम्पल तोड़ी फ्रेंड्स ये टेम्पलटे आम जैन मान बुद्धिस्ट मान हिंदू मान जैन आउ बुद्धिस्ट हिंदू मान समस्त किसी ना कि आनसाइड जिनस पाइबे टेम्पल ओके फ्रेंड्स ये टेम्पलटा किए तोड़ी राष्ट्र मैंने राष्ट्र राष्ट्रकूट मैंने तोड़ी एटा जो एलोरा टेम्पलटा यहाँ नुक आम यूनेस्को में आड होती यहाँ हो 1983 आम यूनेस्को वर्ल्ड हेरीटेज साइट हिसाब से आड हो जाए ओके फ्रेंड्स यहाँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट पचारे पारे एलोरा टेम्पल यूनेस्को जो आड होती के मसीहार आड होती 1983 आम यूनेस्को वर्ल्ड हेरीटेज साइट हिसाब से आम एलोरा टेम्पल आड होती ओके फ्रेंड्स यहाँ राष्ट्रकूट मैंने या चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन की हू एस्टाब्लीश्ड महाबलीपुरम फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन महाबलीपुरम आपड़ ना चाहते महाबलीपुरम कितना एस्टाब्लीश किए करता ओके फ्रेंड्स यहाँ पल्लव थे पांडव थे चोल थे ना चालुक्य थे तो फ्रेंड्स यार करेक्ट उत्तर कौन हो तो फ्रेंड्स यार करेक्ट उत्तर हो ऑप्शन वन पल्लव पल्लव मैंने महाबलीपुरम एस्टाब्लीश कर फ्रेंड्स महाबलीपुरम यहाँ गोटे जगह यहाँ कौटे फ्रेंड्स यहाँ अच्छे पाखापाखी तमिलनाडु यहाँ अच्छी कौट यहाँ तमिलनाडु अच्छे महाबलीपुरम ओके फ्रेंड्स तमिलनाडु में महाबलीपुरम अच्छी तो फ्रेंड्स मुझे कही दूँ प्रथम ये महाबलीपुरम ना कौन थी मामलापुरम थी कौन थी मामलापुरम थी ओके फ्रेंड्स ये जो मामलापुरम किए तोड़ी यहाँ करते नरसिंह वर्मन वन नरसिंह नरसिंह वर्मन वन नरसिंह वर्मन वन किंग जो राजा थे नरसिंह वर्मन वन सी ये जो मामलापुरम को फास्ट तोड़ी थे ओके फ्रेंड्स यहाँ कौन कहते सेवेन पगड़ा कही था आम जमीन सन टेबुल शुभे ब्लाक पगड़ा से महाबलीपुरम को सेवेन पगड़ा कह जाए ओके फ्रेंड्स ये इंपोर्टेंट जिन कौन मिले महाबलीपुरम फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स महाबलीपुरम अच्छी आपड़ जानते हैं जो मंदिर गुराक से कोणार्क मंदिर होती से रथ आकृतिर मंदिर गुराक ओके फ्रेंड्स तो यहाँ भी गोटे वर्ल्ड जो वर्ल्ड जो यूनेस्को हेरीटेज साइट यहाँ आड होता महाबलीपुरम ओके फ्रेंड्स यहाँ इंपोर्टेंट मन रखिए पल्लव राजा नरसिंह वर्मन वन डेटा महाबलीपुरम एस्टाब्लीश करते तमिलनाडु अच्छी ओके फ्रेंड्स तमिलनाडु यहाँ अच्छी एक आगुरी मामलापुरम कहते सेवेन पगड़ा कह जाए ओके फ्रेंड्स यहाँ पाखापाखि सेवेन्थ रु एट सेंचुरी यहाँ यहाँ एस्टाब्लीश कराइला क्या द्वारा आम नरसिंह वर्मन वन द्वारा ओके फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपड़ मन रखिए चलो जी आम 11 नंबर क्वेश्चन की फ्रेंड्स आप देख पारे आम 11 नंबर क्वेश्चन की आम 11 नंबर क्वेश्चन कौन कौन द वार्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्ब्लेम इन इंडिया वार टेकन फ्रम जो देखो आप सत्यमेव जयते आप बारंबार शुणी सत्यमेव जयते एवं गोटे रिसेंटली गोटे फिल्म आसाला जॉन अब्राहम सत्यमेव जयते फ्रेंड्स ये आम स्टेट एम्ब्लेम हिसाब से केवे आड होता से पचार वार्ड टा कौटू आसी सरी ये वार्ड टा कौटू आसी कौन फ्रम व्वेर इट वाज टेकन फ्रम तो फ्रेंड्स यहाँ उपनिषद रही ना सामवेद रही ना ऋग्वेद रही ना रामायण रही तो फ्रेंड्स आपड़ी गेस करेंगे रामायण तो आपे भी शुनि सत्यमेव जयते आसपार ऋग्वेद सामवेद उपनिषद ये तीन टा रहीगला तो फ्रेंड्स आप करेक्ट उत्तर कौन हो यार करेक्ट उत्तर होमर वन ऑप्शन वन उपनिषद तो फ्रेंड्स यहाँ कौ उपनिषद रही है यहाँ मुंडक उपनिषद रही है फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षार हजार थर आसी यहाँ कौ उपनिषद रही है फ्रेंड्स मुंडक उपनिषद मुंडक उपनिषद रूटा है सत्यमेव जयतीटा आके फ्रेंड्स ये इंग्लीश कहे कौन ये जो आटा कौन कहते हैं ट्रुथ एलोन ट्रम्स ट्रुथ एलोन ट्रम्स ओके फ्रेंड्स यहाँ 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 आम इंडिया आड करा स्टेट एम्ब्लेम हिसाब से
ओके फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एटा कोउ टू आइछ फ्रेंड्स, एटा हमर अछि हमर मुंडोको उपनिषदरु आइछ एटा। ओके फ्रेंड्स, एटा मुंडोको उपनिषदरु आइछ, सत्यमेव जयते। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, हम मन रखिबे। चलन जा नेक्स्ट क्वेश्चन की। फ्रेंड्स, हमर नेक्स्ट क्वेश्चन देख परतिबे, द फेमस रॉक टेंपल ऑफ कैलाश इज एट। जो हमर रॉक टेंपल अछि, फेमस रॉक टेंपल कैलाश पाखरे, तो फ्रेंड्स एटा कोउठे अछि। ओके फ्रेंड्स, जो रॉक टेंपल कैलाशटा कोउठे अछि प्लीज कोउछि, अजंतार अछि, बादामीर अछि, महाबलीपुरमर अछि, ना एलोरार अछि। एटा कैलाश टेंपल फ्रेंड्स, आपण जदि जानिथिम आपण कहि दउछि यार करेक्ट दिजो ऑप्शन 4 एलोरा रे। एलोरा रे फ्रेंड्स, हमर ए जो रॉक टेंपल छ, आपण त सुनथिबे एलोरा हमर पूर्व क्वेश्चन देखथिबे, एलोरा हमर राष्ट्रकूट माने तोळिथिले, राष्ट्रकूट माने करथिले एलोरा टेंपल। तो फ्रेंड्स, एटा से एलोरा एलोरा के भितरे एटा गोटे अछि कैलाश टेंपल, गोटे अछि एटा गोटे फेमस टेंपल, एटा महाराष्ट्र अछि। ओके फ्रेंड्स, तो फेमस रॉक टेंपल कोठि गेला, तो फ्रेंड्स एलोरा, एलोरा केव रे अछि, एटा फेमस रॉक टेंपल ऑफ कैलाश। ओके फ्रेंड्स, एटा महाराष्ट्र अछि, तो फ्रेंड्स एटा मन रखिबे आपण, एलोरा एलोरा अच्छे हमारे कैलाश टेम्पल। ओके फ्रेंड्स, ये मन रखिए। चल जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हिच अमंग द फॉलोइंग मैथ इज रिलेटेड विथ बुद्धिज्म। फ्रेंड्स देखो, बुद्धिज्म पुणी मैथ, आपन टे कन्फ्यूजन होते हैं, तो फ्रेंड्स आपड़ा सिंपली जानी ना ये किए कर कौन हो। व्हिच अमंग द फॉलोइंग मैथ इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, तो फ्रेंड्स जानते हैं धकम, ढाकमा, चैत्य, खंगा, अंगेरी। तो फ्रेंड्स यार करंट उत्तर कौन हो, यार करंट होता है चैत्य। तो फ्रेंड्स एटा सिंपली आप जानते हैं, बेसी कन्फ्यूजन है, मैथ रिलेटेड टू बुद्धिजीवी परीक्षा पचारे आप कहते चैत्य। ओके फ्रेंड्स, बुद्धिजीवी मान चैत्य गृह भी गोटे थाए, जो से सब बास रुंत, तो चैत्य गृह से अप्सन जो मैथ बुद्धिजीवी सहित रिलेटेड कौन हो, चैत्य हो। ओके फ्रेंड्स, अप्सन टू ये नंबर उत्तर होप्सन टू चैत्य हो, मैथ रिलेटेड टू बुद्धिजीवी। फ्रेंड्स जी, चौदह नंबर क्वेश्चन की। हु अमंग द फॉलोइंग अल्सो हार द नेम देवनाम प्रियदर्शी। देवनाम प्रियदर्शी फ्रेंड्स देखते आप राजा मैंने सब अलग अलग नाम ग्रहण करते टाइटल हिसाब से। तो फ्रेंड्स से कौ राजा से कहते किए या भितर ये चार्टा अप्सन भितर किए देवनाम प्रियदर्शी हिसाब से गोटे टाइटल नहीं क्या जो देवनाम प्रियदर्शी हिसाब से डक जाए। मौर्य किंग अशोका ना चंद्रगुप्त को ना गौतम बुद्ध को ना भगवान महावीर की। तो फ्रेंड्स भगवान महावीर की देवनाम प्रियदर्शी तो कभी डका जाए अप्सन कटिगला। गौतम बुद्ध भी हेनी आम बुद्ध भी तो देवनाम प्रियदर्शी आप जानते हैं तो अप्सन आउ दुटा रही दुटा राजा थे राजा मान ही मोस्टली टाइटल नहीं तो अप्सन ये दुटा अप्सन भितर कौटा हो मौर्य किंग अशोक ना चंद्रगुप्त मौर्य। तो फ्रेंड्स आपड़ी हिस्ट्री जानते तो फ्रेंड्स यार करेक्ट उत्तर अप्सन ए मौर्य किंग अशोक। ओके फ्रेंड्स, अशोका देवनाम प्रियदर्शी कहु जाए। ओके फ्रेंड्स, चलते अशोक विषय किसी जानवा। अशोका परीक्षा बारंबार क्वेश्चन आते कलिंग वार आप शुनिथे 263 BC कलिंग वार एटा भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 263 BC जो आम कलिंग वार होता है अशोक और कलिंग भितर जहाँफल जो आम जो आम अशोक से आम चंडाशोक धर्माशोक कन्वर्ट होते। ओके फ्रेंड्स, चंडाशोक धर्माशोक कन्वर्ट होते। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जानते चंद्रगुप्त ये आम जो अशोक सॉरी अशोक अशोक थे मौर्य किंग। तो फ्रेंड्स ये थे थर्ड रूलर, ये मौर्य थे थर्ड रूलर। फास्ट रूलर किए थे आम चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य थे प्रथम जी आम मैंने फाउंडर ऑफ मौर्य मौर्य डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य। तापर आस बिंदुसार, बिंदुसार सन आसवे अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य तापर बिंदुसार, बिंदुसार सन आसवे अशोक। ओके फ्रेंड्स, ये प्रथम भारी टी रागी थे, रागी राजा थे ये जो कलिंग वार्टा हम कलिंग वार पर मन बदली जीव ये जो एत जो युद्ध जो एत लोक मरवे एत रक्तपात हम तो से मन बदली जीव जहाँफल से आम प्रथम राजा जो रागी राजा रु से बुद्धि मानने बुद्ध धर्म ग्रहण कर बुद्धिजीवी हो चंडाशोक धर्माशोक हो। ओके फ्रेंड्स, मौर्य किंग अशोक देवनाम प्रिया कार अलग नाम है मौर्य किंग अशोक अलग नाम हो देवनाम प्रिया। तो फ्रेंड्स चलो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी। तो फ्रेंड्स ये जो एते डायनेस्टी चार डायनेस्टी या तो सब ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन पचार। ओके फ्रेंड्स, ओल्डेस्ट डायनेस्टी मैंने सब पुराना डायनेस्टी कौटा मौर्य डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी, कुष्ण डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी। तो फ्रेंड्स यार करेक्ट उत्तर कौन हो, यार करेक्ट उत्तर हमारे ऑप्शन ए मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी प्रथम आसाला तापर आसाला कण्व डायनेस्टी, तापर आसाला गुप्त डायनेस्टी, तापर आसाला कुष्ण डायनेस्टी। फ्रेंड्स एमती क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में परीक्षा बेले बेले पचार दिए आपके मन रखा चेस्टा करेंगे समझे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रथम किए आसाला मौर्य डायनेस्टी, तापर आसाला कण्व डायनेस्टी, तापर आसाला गुप्त डायनेस्टी, तापर आसाला कुषाण डायनेस्टी। ओके फ्रेंड्स, तो ये थिला किसी आज इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जहाँ हिस्ट्री में बारंबार पूर्व आसी। तो फ्रेंड्स एमती आम आप इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चन नहीं आसू आपको भिडियो कमी लगेगा आपड़ आमको तले कमेंट बक्स जरूर जनइबे आदि आम एर किसी भूल करूँ तो आम तौक आपको तले कमेंट में जनईपरेंगे आम पूर्व नेक्स्ट भिडियो रेक्टिफाई करा चेस्टा करूँ। ओके फ्रेंड्स, रोचु, धन्यवाद।